डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जान रहे होंगे, मैथमेटिक्स में हम लोग इंटीग्रेशन के पार्ट को सॉल्यूशन कर रहे हैं और इस इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स में हम लोग एक्सरसाइज 7.9, ठीक है, जो कि इंटीग्रेशन का है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक के किए हैं। और इंटीग्रेशन भी दो तरह का होता है दोस्तों, डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट। डिफिनिट वाला होता है लिमिट वाला, यानी कि जिसमें जिस इंटीग्रेशन में लिमिट लगा रहे, लिमिट का मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उसको हम लोग कहते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन को हम लोगों ने अभी पढ़ रहा है और इनडिफिनिट तो खैर खत्म हो गया इंटीग्रेशन। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज बात करें तो 7.9 को पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 7.9 में क्वेश्चन नंबर 12 तक के डिस्कस हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, तो लिमिट दिया हुआ है 2 से 3, ऊपर है एक्स डीएक्स और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इस डीएक्स को हम लोग हटा करके यहां भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डीएक्स। अब देखो, अब हमको यहां पे किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में पहले काम करना होता है इंटीग्रेशन का, यानी कि इंटीग्रेशन करने के बाद ही आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट किया जाता है। तो इस सिचुएशन में आपको किसी भी तरीके से इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग इंटीग्रेशन 7.1 में आपको याद दिलाना चाहते हैं, वहां हम लोग पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड भाई? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब उस मेथड से हम लोग ये सीखे थे कि किसी भी दिया गया इंटीग्रेशन के सवाल में उसको टी माना जाता है ताकि उसका डिफरेंशिएशन सवाल में दिख रहा हो। तो हम नीचे वाला को क्या मानेंगे? टी। तो नीचे वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर में टी। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2x dx बराबर हो गया dt। अब हम लोगों तो ऊपर एक्स डीएक्स है, ऊपर क्या है? एक्स डीएक्स। तो इसलिए एक्स डीएक्स के जगह पे dt बाई 2 लिख दीजिए। तो यहां हम लोगों को आ गया लिमिट 2 से 3, ऊपर एक्स डीएक्स है तो एक्स डीएक्स के जगह पे dt बाई 2 और बट्टा में इसको हम लोग क्या माने हैं? तो इसको t माने हैं, तो नीचे t हो गया। अब आप बताइए कि ये 1/2 तो कांस्टेंट है, तो 1/2 तो कांस्टेंट जो रहता है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाता है, इसको बाहर निकाल लिया। और लिमिट कितना है? 2 से 3, 1/t और इधर dt बच गया। आपको एक फार्मूला बताए हैं कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x ना। तो इसी तरीके से यहां भी हो गया हम लोगों का इंटीग्रेशन 1/2, तो ये ऑलरेडी बाहर है, ठीक है। और ये 1/t dt, जब 1/x dx का log x हो रहा है तो 1/t dt का क्या होगा? तो इसको बोलिए log t। और लिमिट कहां से कहां तक? 2 से लेकर 3 तक। अब 1/2 तो 1/2 रहने वाला है, इस t के जगह पे किसको रखना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि t इसी को न माने हैं। तो यहां लिखिए log एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट 2 से लेकर 3 तक। अब इसको हम लोग आगे कैसे सॉल्व करेंगे? तो आगे नीचे जगह नहीं है इसलिए हम लोग ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो गया हम लोगों का 1/2 और ब्रैकेट, इस एक्स के जगह पे हम क्या बोले हैं कि जो भी एक्स के फंक्शन रहेगा उस पे सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट कितना है? 3। तो एक्स के जगह पे कितना रखेंगे? पहले 3 रखेंगे। तो यहां हो जाएगा लॉग एक्स का स्क्वायर है ना, और 1 जोड़ना है तो एक्स के जगह पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। माइनस, फिर हमेशा माइनस करके ही लोअर लिमिट पुट करते हैं,
तो माइनस दिए लॉग का, तो लॉग रहेगा नो डाउट, और एक्स की जगह पे कितना रखेंगे दो, तो दो का स्क्वायर कितना होगा चार, और चार में एक जोड़ेंगे तो पांच। दोस्त अब एक फॉर्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन का, क्या होता है लॉग एम बटा में एन, अगर माइनस में होता है तो बटा में हो जाता है, इसका मतलब वन बाय टू और लॉग टेन में पांच से डिवाइड कर लेंगे तो कितना होगा टू, तो यानी हो जाएगा वन बाय टू लॉग टू, नहीं तो एक और आंसर होगा, इतना आंसर नहीं होगा, तो जब पावर पीछे कोई रहता है ना तो उसके पावर चढ़ जाता है, देख लो लॉग अगर एम के पावर कुछ के रहता है तो के पीछे आ जाता है, के लॉग एम हो जाता है, ये सब लॉग का फॉर्मूला है, तो इसका मतलब उल्टा भी हो सकता है, अगर के यहां है तो हम लोग पावर चढ़ा सकते हैं, तो इसका हो जाएगा लॉग टू के पावर वन बाई टू, और इसी को लिख सकते हैं लॉग रूट टू, तो कुछ भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर कर सकते हैं, ये भी आंसर कर सकते हैं, ये भी आंसर कर सकते हैं, यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहां के बाद से हम लोगों का वो लॉग का रूल लगने लगता है, तो कभी भी आप इसमें लोगों को डाउट होता है कि सर हम इतना पे करेंगे तो कोई दिक्कत है क्या, भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या है ना कि एक तरफ क्वेश्चन दिया रहता है और दूसरी तरफ उसका आंसर दिया रहता है, तो लोगों का टेंशन होता है मेरा तो आंसर आया ही नहीं, तो ये बात को लेकर आप टेंशन छोड़ दो, क्योंकि आंसर जो दिया रहता है ना भाई वो कहीं ना कहीं चेंज करके दिया रहता है, यहाँ पे लॉग का रूल्स यूज करके दिया रहता है, देख लो यहाँ इतने तरीके से आंसर हो सकते हैं, लेकिन बुक में कोई एक तरीका दिया होगा, या तो ये दिया होगा, नहीं तो ये जब पावर पीछे रहता है उसको हम लोग पावर में भी ले जा सकते हैं, ये भी लॉग का रूल्स बोलता है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को लॉग के रूल्स पे ही इसका आंसर दिया होगा। ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13, फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, यानी देखो आप इन क्वेश्चन को देखकर आपको क्या लग रहा है, यही लग रहा है कि किसी भी हालात में चाहे हालात कैसी भी हो हम लोगों को काम है सबसे पहले इंटीग्रेशन करना, आप माइंड में ये फिट कर लो कि कुछ देर के लिए हमारा लिमिट नहीं है, और जब लिमिट नहीं है तो जैसे इंटीग्रेशन पहले करते थे वैसे आप इंटीग्रेशन कर लो, और फिर आप रख दो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू। अब आप चलो क्वेश्चन नंबर 14 में, क्या कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोला जा रहा है, 2x + 3 / 5x² + 1, ये हम लोगों को क्वेश्चन है, लिमिट है कहां से कहां तक 0 से 1, ठीक है 0 से 1। अब यहां पे 2x + 3 5x² + 1 / dx, भाई इसी क्वेश्चन को दो पार्ट में बांट दो आप 0 to 1, एक 2x के नीचे तोड़ दो 5x² + 1 / dx, और बीच में प्लस है इंटीग्रेशन 0 से 1, ठीक है 0 से 1 लिमिट 3 / 5x² + 1 / dx। अब क्या करो आप, इसको मान लो i1, इसको मान लो i1 और इसको मान लो i2, सबसे पहले आप i1 को सॉल्व कर लो, फिर बाद में i2 को सॉल्व कर लो, और i1 और i2 के बीच में किस चीज का साइन है प्लस का, तो दोनों को फिर प्लस कर लो ऐड कर लो। सबसे पहले हम यहां पे आपको सिखाने वाले हैं कि i1 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो i1 क्या है 0 से लेकर 1 तक 2x dx, ऊपर लिखेंगे ना 2x dx, नीचे है 5x² + 1। इसको करने के लिए ना भैया कुछ मानना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा, इसको मान लो t नीचे वाला को, तो 5 का तो 5 रहेगा और x² का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का तो 0 होगा, और जिधर x रहता है उधर dx और t का क्या होगा dt, ऊपर में तो 2x dx है, तो 2x dx का वैल्यू यहां से निकाल लो, 2x dx = dt/5, यानी ऊपर हम लिख देंगे क्या 0 to 1 dt/5
और नीचे में टी, इसी को आप 1/5 कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो और 0 to 1 1/t dt। तो अभी हम लोग सीखे ना 1/t का होता है log t, तो उसके तरीके से आप और t के जगह पे कितना रख देंगे हम लोग 5x² + 1। तो इसका जो है अभी आपको खुद से करना है क्योंकि 1/t का इंटीग्रेशन लिखना है log t, और log तो रहेगा रहेगा, t हम जिसको माने हैं वहां पे पुट करेंगे और फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखने के बाद इसको अच्छे से सॉल्यूशन कर लेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद जो आएगा वो हम लोग बेसिकली फाइनली I1 का वैल्यू निकल जाएगा। अब हम लोग काम करेंगे I2 को निकालना। अब I2 कैसे निकलेगा, चलिए हम अब I2 को बताते हैं कि I2 कैसे निकलेगा। I1 इस ढंग से निकाल लीजिएगा, जितना आएगा अभी हमको पता नहीं कितना आएगा लेकिन कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, लिमिट उमिट सब रख देने के बाद निकालिएगा। फिर I2 कितना है भाई, तो 0 to 1 कितना है, ये 3 कांस्टेंट है ना, तो 3 को हमने बाहर कर लिया कांस्टेंट, ऊपर कितना बचा 1, यहां पे कर लिया 5x² + 1 dx। भाई 3 तो कांस्टेंट है, हमको किसी भी हालात में इसको इंटीग्रेशन करना है तो इसको ऐसा फॉर्म बनाया जाए ताकि वो फार्मूला पे आ जाए। तो इसको लिख सकते हैं √5x² + 1² dx। भाई देख लो 5x² है तो 5x² को √5 का स्क्वायर तो 5 होता है, x² होता है, तो हमने क्या किया इसको x² और a² के फॉर्म में ना इसको तोड़ दिया। ठीक है, अब तोड़ने का फायदा क्या बना भाई, तो तोड़ने से फायदा बना है कि ये हम लोगों को कहीं ना कहीं रूल्स पे आ गया। देखो भाई इंटीग्रेशन जो होता है ना, इंटीग्रेशन कई तरह के हम लोग सॉल्व किए हैं, कहां पे कौन सा सिचुएशन लगाना भाई, इसको आप प्रैक्टिस से ही कर सकते हो। देखो हम लोग नीचे जैसे ही देखे कि ये स्क्वायर में है तो पता चल गया कि इसको किस फॉर्म में तोड़ेंगे ताकि इंटीग्रेशन के कुछ ना कुछ फार्मूला वहां पे लगा सके। तो ये हम लोगों को कौन सा फार्मूला पे मिल गया, जरा फार्मूला दिखा देते हैं। तो फार्मूला होता है ना भाई 1/x² + a² dx, इसका फार्मूला होता है, याद नहीं होगा आप याद कर लो अच्छे से, 1/a tan−1 x/a, ये फार्मूला होता है देख लो। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 3 तो ऑलरेडी बाहर है, इसका फार्मूला लगाएंगे, 1/a बोल रहा है तो a का जगह पे कितना है 1, तो यहां लिख दिया 1/a, 1 tan−1 तो tan−1, x की जगह पे कितना है भाई, तो x के जगह पे √5x है और बटा में कितना a। लेकिन दोस्तों इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आपको हम ये भी बताए थे कि x का जितना गुणांक रहेगा उतना से डिवाइड किया जाता है, तो x का गुणांक कितना है √5, तो इसको √5 से डिवाइड कर दिया। तो अब कुल मिलाकर ये इंटीग्रेशन हो गया और इस इंटीग्रेशन में लिमिट बैठा देना है 0 से 1। अब कुल मिलाकर कांस्टेंट है ना ये, तो 3/√5 आप इसको बाहर ही कर लो और tan−√5x है ना, √5x है और लिमिट कहां से कहां तक, तो 0 से 1। अब देख लो भाई 3/√5 तो √5 रहेगा, x के जगह पे कितना रखना है 1, तो इसका हो जाएगा tan−√5 − tan−1, x के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 को √5 से गुना करेंगे तो 0। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसका जो I2 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा देख लो, I2 का वैल्यू कितना आएगा, तो 3/√5 और tan−√5 − tan−1, 0 का वैल्यू कितना होता है तो 0, तो कुल मिलाकर इसमें अगर 0 को घटाएंगे तो वही रहेगा, यानी कि I2 का वैल्यू होगा 3/√5 tan−1√5, क्योंकि tan−1 0 का वैल्यू कितना होता है 0। तो कुल मिलाकर 13 और 14 नंबर दोस्तों आज हम लोग कंप्लीट किए हैं।
अब आगे का जो क्वेश्चन है ना, सब में यही रूल्स नियम लगाना है। जैसे कि हम हिंट्स के तौर पे अगर बताएं तो क्वेश्चन नंबर 5 में 15 में क्या करना है, 15 में क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। देखो 15 में क्या है, तो लिमिट कुछ भी रहे, लिमिट क्या है तो 0 to 1 x स्क्वायर dx। तो इसमें क्या करना तुम ना भाई, x स्क्वायर को t मान ली हो और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx is equal to dt। हमको तो यहाँ x dx में मल्टीप्लाई में है, तो x dx का वैल्यू निकाल लेना यहाँ से, तो dt by t बच जाएगा। इस तरीके से लिमिट 0 से 1 वो तो रहेगा ही रहेगा, और x स्क्वायर को हम लोग क्या माने हैं, x स्क्वायर को माने हैं t। तो ये हो जाएगा e के पावर t, और dx को क्या हुआ, dx को कर लिया हम लोग x dx को dt। तो कुल मिलाकर यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं और खुद से भी इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। e के पावर t का e के पावर t होता है, और t के जगह पे x स्क्वायर रख देना है और तब जाकर लिमिट पुट कर देना है। 16 में क्या करेंगे, 16 में भी कुछ हिंट्स कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक, 1 से लेकर 2 तक है। या फिर क्वेश्चन 16 जो है ना, इसको आप छोड़ दें, क्योंकि ऐसे केस को हम लोग डिवाइड करके बनाते हैं। जब ऊपर भी द्विघात समीकरण रहता है तो नीचे भी द्विघात समीकरण, तो इसको हम लोग भाग करके बनाते हैं। ये भाग विधि हम आपको अगले क्लास में दिखाएंगे कि कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।